हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं राइड पे, हमारे साथ है साहिल जमील व्लॉग्स। तो जाओ इनके चैनल को भी प्यार दिखाओ। एक्चुअली मसला कुछ ऐसा सा है, अभी हम जा रहे हैं फोन ठीक करवाने। गाइस ये देखो, ये भी हमारे साथ दूसरी इमेज है। तो अभी हम जा रहे हैं छन्नी वाली साइड। सारों का प्लान है कि रात को फास्ट एंड फ्यूरियस देखेंगे, तो बहुत क्रेजी व्लॉग होगा, एंड तक जरूर देखना। जब रोड क्रॉस करते हो आगे पीछे देखा करो। अभी अगर ये नीचे आ जाता हमें पकड़ लेना था सबने, तुमने ही मारा। ये कोई नहीं देखेगा कि गलती किसकी थी, पर गाड़ी वाले को ही पकड़ेंगे फिर आके। इधर टोक्यो ड्रिफ्ट वाले मोड़ है, पीछे चींची की आवाजें बज रही है, पीछे वाला जो है वो मशर गया हुआ है। लग गई ये देखो, निकल गया, पर वो निकल गया आगे, और आगे ब्रेकें लग जानी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। टू हाउ यू लिसन टू म्यूजिक। वही उसको देखो आगे। वो मशहूर ही क्या हुआ वो। तो अभी हम बात कर रहे थे ड्रिफ्टिंग होती कैसे है, क्या सिस्टम होता है। ये कहता है ट्रैक्शन कंट्रोल होगा फिर ही ड्रिफ्ट हो जाएगी। दुनिया का एक ऐसा कौन है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये भाई लेके आए हमें यहाँ पे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह, पता नहीं कौन सी जगह ये, मेरे को तो पता भी नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ। तो ये हमारे सारे भाई वगैरह यहाँ पे, तो अब देखते हैं यहाँ पे रील वगैरह शूट करते हैं। तो गाइज अभी हमारा प्लान बना है ड्रैग रेस करने के लिए, अब करते हैं स्विफ्ट और अमेज की ड्रैग रेस। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आएंगे, ज्यादा लंबी हमने करनी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड गियर में करेंगे, तो देखेंगे क्या हिसाब रहेगा। गाइज ये देखो, ये स्टिकर है, ये बंदा है, जाओ तैयब भाई को सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ। तो गाइज आ चुका है आपका भाई स्विफ्ट में, तो दोनों गाड़ियाँ रेडी हो चुकी है, तो करते हैं एक ड्रैग रेस, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो गाइज जब भी ऐसी कोई ड्रैग रेस वगैरह करते हो तो एक सेफ रोड पे करो, एक सेफ ट्रैक पे करो जहाँ पे पब्लिक वगैरह ना हो, सब कुछ ऑफ कर दो सब कुछ। सो ये रही इमेज, ये है डीजल रेडी, थ्री हॉर्न पे, ठीक है, थ्री हॉर्न, तीन हॉर्न पे, वन टू थ्री स्टार्ट होगी, देख रहे हो भाई स्विफ्ट निकल गई अपनी आगे, देख रहे हो पीछे रह गई हमें। ओ भाई भाई अमेज तो दिखी ही नहीं पीछे, और ये एक ओ भाई सिक्स सी ड्रिफ्ट। आपको पता है स्विफ्ट का पिकअप बहुत ज्यादा है, तो भाई का हॉर्न ठीक नहीं था, इसकी वजह से भाई का लॉन्च अच्छा नहीं हुआ और वो रुक गए, अब हम रीमैच कर रहे हैं। भाई यहाँ पे थ्री ऑन पे हम फिर से चल रहे हैं, पहली रेस तो हम जीत चुके हैं, तो सेकंड चलो। ओ भाई यहाँ पे फिर से इनिशियल में हमने पीछे छोड़ दिया है अमेज को। उसमें हमने ड्राइवर चेंज कर लिए, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। आ चुका है आपका भाई अमेज में, तो देखते हैं अमेज चला के। तो अपनी स्विफ्ट में तैयब है, यहाँ से चल रहे भाई, भाई पिकअप में राइडर का फर्क पड़ रहा है पिकअप में, हम फिर से इनिशियल में हम आगे निकल गए,
ओ भाई फिर साइड के क्या ही कहने। ओ भाई 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 बाहर धुआं देख रहे हो क्या सेक्सी भाई सेक्सी। इट्स नॉट अबाउट द राइड, इट्स अबाउट द राइडर। यहाँ पे जो रोड है वो भी थोड़ा अनइक्वल है हाँ। तो इसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ रहा है। भाई ने भी अच्छी बगाई। तो गाइज अगर पावर के हिसाब से देखा जाए अभी जो अमेज है उसमें थोड़ा काम भी है और स्विफ्ट जो है वो बिल्कुल नई गाड़ी है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए अगर ड्राइवर्स का लेवल सेम रखा जाए तो हमेशा स्विफ्ट ही जीतेगी। मैं ड्रिफ्टिंग कर रहा था और धुआं देखो अभी तक देखो धुआं, तो देखते हैं कि ड्रिफ्ट कैसी हुई अगर। पर वो मैंने स्ट्रेट में पोर्ट्रेट में बनाई है तो फिर भी मैं डाल दूंगा व्लॉग में, देख लेना कैसी लगी आपको बताना। भाई बहुत अच्छा था। तो गाइज आपको पता है कि जैसा कि हमने शाम को फास्ट एंड फ्यूरियस देखने जाना है, आपको बोरियत फील ना हो इसलिए मैं व्लॉग थोड़ा कंसाइज ही रखूंगा। अब मिलते हैं आपसे सीधे जब फास्ट एंड फ्यूरियस देखने जाएंगे तब। तो फाइनली गाइज हम जा रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 10 देखने। तो ये मेरा बड़ा भाई और ये पीछे आई और ये असील भाई। मुझे नहीं दिखाई दे रहे या इसकी लाइट ही काम है? अच्छा अभी फ्लैश मारी ना आंखों पे इसलिए। तो गाइस बहुत वेट था इस मूवी का, 2 साल से मैं वेट कर रहा था, फाइनली रिलीज हो गई। ऐसे तो बोल रहे थे कि 19 मई को होगी पर 18 मई को हो गई, वो पता नहीं क्यों हुआ, अब देखते हैं कैसी होगी। तो गाइस हमने गाड़ियां वगैरह पार्क कर ली है और अभी हम जा रहे हैं। 10:35 का शो था, 10:45 हो गए हैं, हम पहले ही लेट हैं। वो बंदा देखा है एक, वो ये फूलों वाली लिफ्ट है। तो हम यहाँ पे बाहर कुछ खा रहे वगैरह हैं। ये आई ये अपनी सारी गैंग, तो ये रही अपनी सारी गैंग, सारे दोस्त वगैरह। तूने एक गलती कर दी, मेरी कार मुझसे नहीं छीनी। तो इमरान भाई कैसी लगी आपको मूवी? अरे यार खिल गया मैं पूरा यार, पूरा यार ओपी थी। तो गाइस बहुत सेक्सी मूवी थी, पर जो रियल फास्ट एंड फ्यूरियस फैंस है सिर्फ उनको ही पता चलेगा कि ये स्टोरी लाइन क्या थी। और आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है एंड में, जो पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं वो मिस मत करना, एक बहुत अच्छा सरप्राइज है उसमें। रहा नहीं जा रहा तो मैं बता दूंगा, खान की जो गर्लफ्रेंड होती है जो मर गई होती है वो जिंदा है। और जब वो सीन आया किसी को पता ही नहीं था कि वो कौन है, सारे चुप थे बस मैं और ये बंदा चिल्लाया। तो गाइस ये रही अपनी गाड़ी, पिक्चर देखने गया था फास्ट एंड फ्यूरियस हॉलीवुड वाला, साला चश्मा उड़ा दिया। कैसी लगी मूवी? और नहीं वो अगला पार्ट होगा ना, ये इसके 3 पार्ट आने हैं। ये देखो गाइस ये हमारे ही सारे बंदे हैं। प्रैंक हो गया पर वो एंड में उसकी हान की गर्लफ्रेंड वो जिंदा निकली, वो तो 6 बार में मरी थी गई। हाँ तो वही तो सही सस्पेंस है। मूवी शूवी से इंस्पायर्ड नहीं हुआ करो, ये बस दिखाने के लिए होता है, ऐसे ही खुद मरोगे कहीं से अच्छा नहीं रहेगा। वो आ गया बचर गया। फास्ट एंड फ्यूरियस का इफेक्ट जो बाइक कर रहे उसमें वो डॉग की बीवी कैप्टन मार्वल, वो लेटी लास्ट को देख के जोश चढ़ रहा है। वो तो डीसी किया ना जो लास्ट, हां वही अदन ने लड़की को बाइक चला देने से उसका खून खोल उठा नीचे, वो लड़का बाइक रोड कर रहे पर एक बैग अंदर के जज्बा जागे एनफील्ड ने बस सुन ना क्या चीज।
गाइस ये देखो चोर बंदे दिखा कितनी निकाली है, सारी चोरी करके लेके आ गया उधर जो उसके पास 12D सिग्मा में ओमनी ट्रिक्स। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं आगे का क्या प्लान।